आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, इससे हम लोग को पहले फिगर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। पहले दे रखा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एक्स वाई जेड इसको 64 डिग्री ड्रॉ कर दिए एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को पॉइंट टी तक बढ़ा के ले गए। उसके बाद इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एक रे बनाए वाई क्यू जो कि जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में ये एंगल डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये एंगल जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि रे वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। तो इसमें गिवन लिख लेते हैं जो दे रखा है, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री और वाई क्यू बाइसेप्स एंगल जेड वाई पी। टू फाइंड, जो फाइंड करना है इसमें हम लोग को एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी अब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। ऑनलाइन एक्स पी, एक्स पी लाइन के लिए देखना है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है मतलब 180 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, ये तीनों एंगल का सम जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। और एंगल एक्स वाई जेड गिवेन दे रखा है 64 डिग्री हो जाएगा इसके जगह, प्लस जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी के जगह भी हम लोग जेड वाई क्यू लिख रहे हैं क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। रीजन यहाँ पे लिखेंगे, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल अब इसको सॉल्व करेंगे। 64 डिग्री जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू टाइम्स ऑफ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये हो जाएगा 116 डिग्री। तो एंगल जेड वाई क्यू ये टू इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 116 बाय 2, ये कैंसल होगा और ये आ जाएगा 58 डिग्री। तो एंगल जेड वाई क्यू जो आ गया वो 58 डिग्री हो गया। फर्स्ट में हम लोग को इसमें फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू यहाँ पे दो एंगल से मिल करके बन रहा है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड दे रखा है 64 डिग्री और जेड वाई क्यू अभी जस्ट फाइंड किए हैं 58 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू आ गया 122 डिग्री। और फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल क्यू वाई पी को, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी भी अभी फाइंड किए थे कितना था 58 डिग्री, 360 माइनस 58 302 डिग्री, यही इसमें हम लोग को फाइंड करना था और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।